तुम लोगों का रूम बहुत फीका फीका। अरे क्या हुआ तुझे, तबीयत तो ठीक है? अरे सुबह से बेचारे की तबीयत खराब है, हमने समर हैक वीडियो शूट किया था कड़ी धूप में। और रही बात रूम की, बाहर से आए हैं, रेंट के घर पे रहते हैं, अभी तो हम टीनेज है यार, पढ़ रहे हैं और कमाएंगे भी तो एकदम से, इतना थोड़ी ना कमाने लग जाएंगे कि सब कुछ रूम डेकोर का खरीद लें। मेरे होते हुए तुम्हें फीके रूम में रहना पड़े तो धिक्कार है मेरे डीआईवाई पर। तो क्या अब हमारा घर भी सुंदर दिखेगा? हाँ, हमारे घर में भी गेस्ट आकर हमारी डेकोर की तारीफ करेंगे। हाँ अगर ऐसा हुआ ना तो अपने लोगों से 1 लाइक दिलवाऊंगी तुझे और पूरे कॉलेज में बोल दूंगी कि डीआईवाई क्वीन को सब्सक्राइब करो। तो पहले क्या देगी बना के? ये क्यूट से सुंदर से यूनिकॉर्न को बनाने के लिए चार्ट पेपर लो और उस पर ड्रॉ करो ये यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न में लगने वाले ये फ्लावर्स बनाते हैं, बस लेना है वही काइट पेपर और इसे 4 बार फोल्ड कर दें। इस पर सर्कल का थोड़ा सा शेप दे दो और उसे कट कर दो। देखा, अच्छी ट्रिक थी ना एक से ज्यादा पेपर सर्कल बनाने के लिए। अब एक पेपर सर्कल को हाफ फोल्ड करो। अब इसे इतने टाइम तक फोल्ड करना है कि उसका लास्ट फोल्ड एंड ना हो जाए। अब इसे ओपन किया, लो आपका फूल तैयार है। देखने में अजीब लग रहा है ना, पर जब ये लगेगा ना तब आपको पता चलेगा कि ये हमने ऐसा क्यों किया। ऐसे बहुत सारे फूल बना लो। ड्रॉ की गई यूनिकॉर्न की लाइन पर थोड़ा सा फेविकोल लगाओ। अब इस फूल को सेंटर से पकड़ा और इस फूल के सेंटर को लाइन पर एक एक करके पेस्ट कर दो। जहाँ जहाँ लाइन गई है यूनिकॉर्न की, वहाँ वहाँ इस पेपर फ्लावर को पेस्ट कर दो। और ज्यादा गैप देकर पेस्ट ना करे, वरना यूनिकॉर्न का शेप नहीं आएगा। यूनिकॉर्न के हॉर्न के लिए लेना है चार्ट पेपर और इसे इस तरीके से फोल्ड कर दें। आखिरी हिस्से पर इसे फेविकोल से चिपका दें। हॉर्न पर किया हमने गोल्डन पेंट और इसे यूनिकॉर्न के हेड पर पेस्ट कर दें। जैसे व्हाइट फ्लावर बनाए थे वैसे ही कलरफुल फ्लावर बना लो और इसे यूनिकॉर्न की आउटसाइड में इस तरीके से पेस्ट करते जाओ। ब्लैक पेपर से बना ली इसकी आईज। अब इस पूरी शीट को कार्टन पर पेस्ट कर दें, क्योंकि जब आप इसे काटने के बाद लगाएंगे तो ये आराम से कहीं भी ठहर जाएगा। पेपर फ्लावर को बनाएं। सबसे पहले हम पेपर फ्लावर का शेप बनाते हैं। इसके लिए लेना है वायर, काइट पेपर, फेविकोल और सीजर। पेपर को सीधा रख के फोल्ड करो और कट कर दो। अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करो। जो साइड खुला हुआ है उस साइड एक निशान लगाएं और इस निशान तक पेपर पर छोटे छोटे कट लगा दें। और याद रखना कट निशान से बाहर नहीं निकलना पाए। अब इसे ओपन करके पलट दें। अब एक साइड पर फेविकोल लगाकर उसे दूसरी साइड से पेस्ट कर दो और जोड़ने के बाद आपको कुछ ऐसा शेप मिलेगा। ये जो लाइन दिख रही है ना, हमें यहाँ पर फेविकोल लगाकर इस वायर से लपेटना है। अब बस फेविकोल लगाते जाओ और लपेटते जाओ। और याद रखना इसके पत्ते आपको ऊपर करते रहने हैं ताकि आपस में चिपके ना। यार मुझे खुला हुआ वायर पसंद नहीं आ रहा, एक काम करती हूँ इस पे ग्रीन टेप लगा देती हूँ। ये तो तैयार हो गया, अब इसमें सिर्फ लीव्स लगाना बाकी है। लीव का शेप कट करो, मनचाहे कलर्स करो। और लीव्स की शेप देने की ये टेक्निक अगर अच्छी लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक करो। लीव्स को फ्लावर के लास्ट में पेस्ट करो और लो एक स्टिक तो बनके तैयार है। ऐसी एक एक करके काइट पेपर से मनचाहे कलर्स की फ्लावर बना लो और मनचाहे जगह पर प्लेस कर दो, है ना सुंदर? सन मिरर बनाना तो बहुत ही आसान है, तो पहले इसके स्टिक्स बनाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो चलो न्यूज़पेपर लो। न्यूज़पेपर के पेज को 4 हिस्से में कट किया, न्यूज़पेपर को इस तरीके से रोल किया और एंड में फेविकोल लगाकर पेस्ट कर दिया। ऐसे ही आपको बहुत सारी स्टिक्स बना लेनी है। अब ये हिस्सा बनाते हैं। इसके लिए लेना है एक कार्टन और एक राउंड शेप मिरर। मिरर शेप में कार्टन कट कर लो
मिरर के बैक साइड पर ग्लू गन या फिर सुपर ग्लू की हेल्प से इसे पेस्ट कर दो और स्टिक्स को आपको इस तरीके से पेस्ट करना है कि उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बाहर रहे। क्योंकि हम सन रेज बना रहे हैं तो ये हिस्सा मुझे बहुत खाली लगा है, तो हम इसमें अभी एक्स्ट्रा स्टिक्स लगाएंगे। स्टिक्स लग गए, अब इस पे मनचाहे कलर्स करो, पर याद रहे कलर करने से पहले इस पर व्हाइट कलर्स जरूर करें। अब सन की रेज हमेशा गोल तो नहीं होती है ना, तो इसे रैंडमली कट कर लो। अब आप स्टिक्स में जो मन चाहे, जैसा मन चाहे वैसा कलर कर सकते हैं। अब एक और गोल साइड कट करके इसके बैक साइड पर पेस्ट कर देना है। इसके बैक साइड पर ड्यूअल टेप लगाया और आपका सन मिरर रेडी है। अब अपनी फेवरेट वॉल पर इसे स्टिक कर दें। फ्लावर पॉट के लिए जैसे सन मिरर के स्टिक्स बनाई थी वैसी यहाँ भी बना लें। एक एक करके सब पे गोल्डन पेंट करके इसे सुखा लें। कोई भी राउंड शेप खाली बोतल को कट करके उसका नीचे वाला हिस्सा रख लो। स्टिक्स को बस एक सा कट कर लो और एक एक करके इसे प्लास्टिक बोतल पर लगाओ और इस रबर बैंड से सिक्योर कर लो। सारे स्टिक्स को लगाया और इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। सिक्योर करने के लिए इन साइड में ग्लू लगाया और रबड़ को छुपाने के लिए कोई भी रिबन लगा दिया। तैयार है हमारा झटपट फटाफट फ्लावर पॉट। पहली बार तेरे डीआईवाई के आइडिया से ये रूम सुंदर बना है भाई। मैं तो कह रही मेरी तरफ से तुझे लाइक भी मिलेगा, सब्सक्राइब भी कर दिया, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दिया। आप लोगों ने नहीं करा है ना तो आप इतनी अमेजिंग वीडियो मिस करने वाले हो। जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। मेरी तबीयत तो ठीक हो रही है यार, थोड़ी थोड़ी यार। दो दीवार और है हमारे घर में, उनके लिए भी डेकोरेशन के कुछ बना दे। और मेरी दादी को भी ना डेकोरेशन बहुत पसंद है, उनके लिए भी तीन चार चीजें बना दे यार। तुम्हें तो उंगली दी तो हाथ ही पकड़ लिया, इतने लाइक में इतना इंच मिलेगा, मैं तो जा रही हूँ। अरे यार क्यों भाव खा रही है, अब क्या करें। ऐसा कर तू दोबारा बीमार हो जा। अब क्या बीमारी होती रहूंगी मैं।